सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑलरेडी कुछ स्टेट ने अपनी ये मेरिट लिस्ट बना के दे दी है, आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। अगर 15% कोटा के लिए आयुष की काउंसलिंग होती तो ये अलग अलग स्टेट अपनी स्टार्ट नहीं करती काउंसलिंग, क्योंकि 15% जो आता है आपकी सीटें हर स्टेट से निकल के आती हैं। जब पहले ही ऑलरेडी ये स्टेट अपनी अपनी सीटें भर लेंगी तो वो 15% कोटा के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए कहाँ जाएंगी। तो इस वजह से इस साल तो होना मुश्किल है, हैं आगे जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि सब स्टेट ने अपनी अलग अलग स्टार्ट कर दी काउंसलिंग, अगर होती तो ये लोग नहीं करते। तो इस वजह से इस साल नहीं अगली साल से हो सकता है आपका कि 15% कोटा के लिए नीट के थ्रू आयुष की काउंसलिंग भी हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपको किस किस स्टेट से, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ यहाँ पर, आप वहाँ जाके रेगुलरली विजिट करते रहें। मैं तो आपको बताऊँगा ही बताऊँगा चेक करके, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ऐसा नुकसान अपना ना करें। ठीक है, साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी अपडेट आता है और मैं यहाँ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि करके का। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस स्टेट किस वेबसाइट पर विजिट करना है। महाराष्ट्र के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ DMER वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है। बिहार के लिए आपको BECECEBoard.bihar.gov.in पर आपको जाना है। साथ ही गुजरात के लिए आपको MEDADMGujarat.org पर आपको जाना है। अब यूपी से हैं तो यूपी के लिए आपको UP NEET और CPET पर जाना होगा। उड़ीसा के लिए आपको OGEE.NIC.in पर आप विजिट कर सकते हैं। MP के लिए आपको MP Online पर जाना होगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान के लिए education.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। हरियाणा के लिए आपको UHSR.ac.in पर जाना होगा। उत्तराखंड के लिए आपको UAU.ac.in पर जाना होगा। तो ये कुछ स्टेट थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी वेबसाइट के बारे में आपको बताया कि आपको अपडेटेड रहने के लिए आपको कहाँ रेगुलरली विजिट करना है। और बहुत सारी स्टेट अभी बची हुई हैं, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका झारखंड हो गया। तो ये सब जो स्टेट हैं यहाँ अभी बची हुई हैं, आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा। आपको करना बस इतना ही है कि कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और अपने नीट के जो भी आपने स्कोर मार्क्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। साथ ही उन स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी जो स्टेट हैं जिनमें अभी ये छूट गई हैं उनकी वेबसाइट अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर सकूँ और स्टूडेंट को बता सकूँ। और सभी जो भी हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं।